अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फाइवर कोर्स की आज ये फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने फ्री में इफेक्टिवली अपनी फाइवर की गिग इमेज को क्रिएट करना है, जो कि आप लोगों के क्लाइंट को मजबूर कर देगी कि वो आप लोगों को ऑर्डर दें। इसके लिए यार कुछ फाइवर की इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसीज़ हैं जिनको आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है, और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को वो गलतियां भी दिखाई हैं जो कि लोग स्टार्ट में करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें ऑर्डर्स नहीं आते, और वो गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को टिप्स भी दी हैं इंपॉर्टेंट, जिनको यूज़ करके आप लोग अपनी गिग को रैंक करवा सकते हो। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, जो हम गिग इमेज बनाएंगे उसकी SEO किस तरह से करते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट में बताया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ई लर्निंग गुरु। स्टार्ट में यार अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें। फाइवर की गिग को क्रिएट करने से पहले उस गिग की इमेज को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की गिग रैंक हो, आप लोगों को ऑर्डर्स आएँ, तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अच्छी सी एक इफेक्टिव गिग इमेज को क्रिएट करें। उस इफेक्टिव गिग इमेज को क्रिएट करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और जिन जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है वो सब मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आप लोग भी अच्छी से एक इफेक्टिव गिग इमेज को क्रिएट कर सकें और जल्दी से अपना ऑर्डर ले सकें। अब मैं आप लोगों को गिग इमेज की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। ये तकरीबन 45% रोल प्ले करती है हमारी गिग को रैंक करवाने में। किस तरीके से करती है मैं आपको रियल लाइफ की एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग सपोज करो बाज़ार जाते हो शॉपिंग करने के लिए कोई कपड़े वगैरह, आप लोग कौन सी दुकान के अंदर जाओगे? आप लोग डेफिनेटली उस दुकान अंदर जाओगे जिसने बाहर डिस्प्ले अच्छा लगाया होगा, जिसने बाहर डिस्प्ले पे अच्छे कपड़े वगैरह लगाए होंगे, आई कैची से कलर लगाए होंगे, इनके अच्छा डिस्प्ले उसने लगाया होगा। तो आप लोग फ़ौरन से, आप लोग चाहे शॉपिंग ना सही, एक दफ़ा उस दुकान के अंदर विज़िट ज़रूर करोगे। सेम इसी तरह मैं यहाँ पर आपको फाइवर पर दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ हम फाइवर के ऊपर आ गए हैं। अब ये देखें कितनी सारी यहाँ हमारे पास गिग्स लगी हुई हैं। आप लोग खुद बताओ यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या चीज़ देखोगे? ये जितनी लगी हुई हैं आप लोग इनमें से सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले आप लोग डेफिनेटली इस गिग की इमेज को देखोगे। देखा जिस तरह ये इन्होंने इमेज वगैरह लगा रखी है, आप लोग इसकी इमेज देखोगे। उसके बाद आप लोग इसके नीचे ये जो इसने टाइटल लगा रखा है इसकी तरफ जाओगे। ठीक हो गया। अगर लेट्स सपोज इस बंदे ने अपनी पिक्चर ही अच्छी नहीं लगा रखी, चाहे ये अंदर सामान अच्छा दे रहा हो, सर्विस अच्छी दे रहा हो अंदर, लेकिन हम लोगों को तो यही लगेगा ना पिक्चर देख के कि भाई इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, इसने यहाँ पे ऐसे गंदबला लगा रखा है, तो अंदर भी ऐसे ही काम करेगा भले वो अंदर अच्छा काम करे। इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी गिग की इमेज को अच्छे से क्रिएट करें। ये तो हमने देख ली कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखती है। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने बनानी किस तरीके से है। बनाने से पहले यार अब हम जिस भी फील्ड में हो, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं तो हम उसके रिलेटेड सर्च करेंगे, या अगर हम कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड हम गिग बनाएंगे, तो उसके लिए हमें उसी तरह की हमें इमेज रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए यार एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने पहले मार्केट में जाकर विजिट ज़रूर करना है कि भाई कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों ने ट्रेंड को फॉलो ज़रूर करना है। ये टिप भी से समझ लें। ऐसे अब देखें, मैं एक गिग इमेज बनाने वाला हूँ इन्फोग्राफिक्स के लिए, तो मैं यहाँ पर आके इन्फोग्राफिक सर्च कर लूँगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आए, यहाँ पर मैं आके देखें इन्फोग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ पर देखें ये कितने सारे लोग हैं जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम इनकी ना गिग इमेज देख के यहाँ से आइडिया ले लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम अपनी भी बना लेंगे। देखें इसने यहाँ से सिंपली 3 लगा रखी हैं अपनी इन्फोग्राफिक्स। आप लोगों को नहीं पता अगर इन्फोग्राफिक्स क्या है तो ये वीडियो मैंने फुल बना रखी है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को A to Z सिखाया कि किस तरीके से आप लोगों ने इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं। लिंक उसका यहाँ मैं आई बटन में भी दे दूँगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर ये देखें, ये दूसरा बंदा है, ये कह रहा है गेट योर बेस्ट इन्फोग्राफिक, और इसी तरीके से ये इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, ये 80%, और मतलब इस तरीके की ना इन्होंने फ्रंट पेज पे डिस्प्ले किया हुआ है अपना काम के, ये किस तरीके का प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब हम भी आ जाते हैं बनानी किस तरीके से, सिंपली हम कैनवा के ऊपर आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमें साइज़ तो नहीं पता हमारी इसका क्या साइज़ होगा गिग इमेज का। सिंपली हम यहाँ गूगल पे आएंगे, गूगल पे हम सर्च करेंगे फाइवर गिग इमेज साइज़। तो ये देखें इसने हमें बता दिया 1280x769 पिक्सल इसका वो है साइज़। इसके मैं आपको कुछ गाइडलाइन भी दिखा देता हूँ फाइवर की जो है अपनी। ये देखें यहाँ पे ये कह रहे हैं इमेज साइज़ उसका बता दिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है कि इमेज हमारी अच्छी हो, ब्लरी ना हो ज़्यादा फ़ोटो। दूसरे नंबर पे पॉइंट आते हैं कमर्शियल। आप लोगों ने ये चीज़ को ध्यान में रखना, लोग ये गलती करते हैं, आते हैं यहाँ पे, आते हैं इनकी देखिए सेम टू सेम यही कॉपी करके उठा के लगा देते हैं। इस तरह आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों ने अपनी बनानी है। यहाँ से आप लोग आइडिया ज़रूर ले लें, लेकिन आप लोग बनाएं अपनी,
थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजिंग करें, क्रिएटिविटी अपनी ऐड करें, अपना बनाएं। अगर उनकी आप सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो भाई आप लोगों को लग जानी है रिपोर्ट और आप लोगों का जाएगा अकाउंट उड़। उसके बाद आते हैं यूज़ एज टाइटल टेक्स्ट एज पॉसिबल, मतलब कि आप लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे गंद गुला नहीं मारना, बस सिंपल सी जो बात है आप लोगों ने वो लिखनी है, ऐसे नहीं करना। ये देखें जिस तरह यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी इन्होंने फुल कोई डिटेल वगैरह नहीं बताई। उसके लिए आप लोगों के पास टाइटल पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, वहाँ पे आप लोग फुल डिटेल से बता देना कि भाई मैं ये चीज़ें भी देता हूँ। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर कि आप लोगों ने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी इसके ऊपर, मतलब कि आप लोग यहाँ पे आके अपना फ़ोन नंबर डाल रहे हो या अपने सोशल मीडियाज के बता रहे हो, वो आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करना। अब यहाँ पे आके हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए भी आप लोगों के पास दो मेथड हैं। आप लोग यहाँ पे आके कैनवा के ऊपर सर्च कर सकते हो, एक तो कि थंबनेल फॉर फाइवर गिग, इस तरह भी आप लोगों के पास आ जाएंगे थंबनेल, वो सारे आप लोग प्री मेड हैं, उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन करके यूज़ कर सकते हो। अब जिन लोगों को नहीं पता कि कैनवा क्या है, किस तरीके से, इसका भी मैंने पूरा अलग से कोर्स बना रखा है जिसमें मैंने आपको ए टू जेड बिल्कुल बेसिक से सिखाया कि आप लोगों ने किस तरह से कैनवा को यूज़ करना है। ठीक हो गया, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा और यहाँ आई बटन में प्ले लिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके सीख सकते हो। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि सिंपली हम यहाँ से क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से कस्टम डिज़ाइन के ऊपर आएँ और यहाँ पर आके साइज़ लिख लें, जो हमें देखें फाइवर गिग का इसने बताया था गूगल ने, यहाँ से आगे हमने इसका साइज लिखा और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास न्यू विंडो में ब्लैंक कैनवास ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छी सी एक इफेक्टिव गिग इमेज ना क्रिएट करके दिखाता हूँ। और मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर टिप इसे समझ लें, यहाँ पे देखें जो फाइवर का इंटरफेस है ना, ये है वाइट, यहाँ पे डार्क इंटरफेस नहीं है, ये वाइट कलर का इसका बैकग्राउंड है। तो आप लोगों ने ट्राई करनी है कि आप लोग जो अपना बैकग्राउंड रखें ना वो ज़्यादा डार्क रखो, इससे ये होगा कि जो आपकी गिग इमेज होगी ना वो आई कैची हो जाएगी, मतलब कि जो क्लाइंट होगा वो जल्दी उसकी नज़र जाएगी आप लोगों की गिग के ऊपर। अगर आप लोग वाइट कलर की रखोगे, वाइट बैकग्राउंड रखोगे तो वो इतना ज़्यादा ना आई कैची नहीं होगा, ठीक हो गया, और उसके ऊपर इंप्रेशन कम आएंगे। सिंपली अब यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड ऐड कर लेना, यहाँ पे एलिमेंट में जाके मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू बैकग्राउंड लिख लेता हूँ तो ये मेरे पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, जैसे लेट से मैं यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड लगा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं कोई इमेज ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं, आप लोग भी जाके अपलोड कर लेना कोई भी इमेज। यहाँ पे आप लोग ट्राई करना, आप लोग अपनी इमेज ऐड करो, जिस तरह ये है ना, इन्होंने ये सिलेक्ट कर रखी है कार्टून, आप लोग यहाँ पे अपनी इमेज ऐड करना है, ये आप लोगों का एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, मतलब फाइवर भी आप लोगों की फेवर में होगा और क्लाइंट जो है ना वो आप लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को ऑर्डर दें। यहाँ से मैंने एक पिक्चर ऐड कर लिया है, इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो इन्फोग्राफिक्स आप लोगों ने पहले बनाए हैं वो यहाँ पे दो चार ऐड कर लेना, मैं आप लोगों को ऐड करके दिखा देता हूँ कुछ जो मैंने पहले बना रखे हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन्हें एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट ऐड कर लें, टेक्स्ट के लिए भी आप लोग आइडिया ले लें यहाँ से जाके कि लोगों ने क्या लिखा हुआ, जिस तरह इसने लिखा हुआ था गेट योर बेस्ट इन्फोग्राफिक, इसने लिखा हुआ है इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, इसने भी इन्फोग्राफिक प्रोफेशनल डिज़ाइन, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसका मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से सिंपली मैंने इसका एक कलर चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लूँगा टेक्स्ट, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है, इसको अब मैं यहाँ से थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसे इसका रेड कलर कर देता हूँ और इसके साथ यहाँ पे एलिमेंट में एक और ऐड कर देता हूँ। ये देखें हमारे ये ज़बरदस्त रेडी हो गया, इसके साथ ही मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, एक और यहाँ पे चीज़ ऐड कर देता हूँ। ये देखें यहाँ से मैंने एक ये ऐड कर दिया, इसके बाद अब आप लोग सिंपली यहाँ से एक एरो ऐड कर लें अगर करना चाहें तो, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट तरह के जो चाहें हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं कितनी हमारे पास ज़बरदस्ती बन गई है। ये इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और इसे यहाँ से JPG में सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड होती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास हाई क्वालिटी में बेस्ट किस्म की एक हमारे पास गिग इमेज रेडी हो गई है। इसके अंदर हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन को भी फॉलो किया है। ये देखें ना हमने इसके अंदर कोई ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह ऐड किया, सिंपल सी मेन बात की जो हमने करना है इसके अंदर। ये देखें गेट योर बेस्ट इन्फोग्राफिक, यहाँ पे इसको बता दिया कि इस तरीके की इन्फोग्राफिक हम बना के देंगे, पिक्चर भी ऐड कर दिए ताकि हमारा ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमें और ऐड हो जाए इसके अंदर। उसके साथ हमने यहाँ ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया, सिंपल सा जो भी आएगा हमारे पास देखेगा कहेगा गेट योर बेस्ट इन्फोग्राफिक और सिंपली हमें क्लिक कर देगा और हमें ऑर्डर दे देगा। जी तो फ्रेंड्स ये था कि किस तरीके से आप लोगों ने गिग इमेज को क्रिएट करना है। अब मेन बात आती है कि इसकी SEO किस तरीके से करनी है, उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फाइवर पर आएँ, किसी की भी गिग को ओपन करके देखें, लेट्स से मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसे ओपन किया, इसके नीचे आ जाएँ, यहाँ पर लास्ट में इसके पढ़ेंगे कीवर्ड्स या टैग कह लें जिसे। ये देखें ये टैग्स पढ़ें इसके रेलिवेंट, ये हमने रेलिवेंट जो टैग होंगे हमारी इमेज के वो हमने उठाने हैं यहाँ से कॉपी करने
और जो हमारी इमेज है जो हमने डाउनलोड किया उसे हमने कर देना है रीनेम। मैं आपको रीनेम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पड़ी हुई है जो हमने डाउनलोड की थी पिक। सिंपली यहाँ से मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने भी अपनी जो इमेज है उसको रीनेम कर लेना है। जो आप लोगों की गिग के रेलिवेंट कीवर्ड्स हों वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। ज़्यादा भी नहीं ऐड करने, 3 से 4 आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। ये तरीका भी आप लोगों को आपकी जो गिग इमेज है उसको रैंक करवाने में हेल्पफुल होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने गिग इमेज क्रिएट करनी है, उसकी एसईओ किस तरीके से करनी है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने प्रोफेशनली अपनी गिग को क्रिएट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।